देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों सुबह का मौसम था और जनवरी का महीना था, तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। अंजलि अपने मम्मी और पापा के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। उसकी मम्मी एक पुलिस अधिकारी थी और अभी कुछ दिन पहले ही उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी। तो अंजलि और उसके पापा अंजलि की मम्मी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जा रहे थे। अंजलि की मम्मी की ट्रेन सुबह 9 बजे की थी, इसलिए वो सुबह सुबह चलते ही घर से स्टेशन के लिए निकल गए थे। वो तीनों अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे थे और खुशी भी थे। थोड़ी देर के बाद वो स्टेशन पहुंच गए और जब ट्रेन आई तो अंजलि अपनी मम्मी से कहने लगी कि वापस जल्दी आ जाना। पर किसी को नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। अंजलि अभी 15 साल की थी और ट्रेन के जाने के बाद अंजलि अपने पापा के साथ घर आ गई और अब उसकी मम्मी को गए हुए 2 दिन हो गए थे। पर ना तो उसकी मम्मी का फ़ोन आया था और ना ही उसकी मम्मी का फ़ोन लग रहा था। अब उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी और उस दिन अंजलि अपने पापा के साथ बैठे हुए टीवी देख रही थी कि तभी न्यूज़ में खबर आई कि 2 दिन पहले ही कानपुर स्टेशन से जाने वाली ट्रेन अभी तक नहीं मिली है और वो ट्रेन आधे रास्ते से ही गायब है। और ये सुनकर अंजलि की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि उसकी मम्मी भी उसी ट्रेन में थी। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया पर उस ट्रेन का कहीं भी पता नहीं चला। बस इतना पता चला था कि वो ट्रेन कानपुर से आगे जो सुरंग आती है उस सुरंग के अंदर जाने के बाद वापस बाहर नहीं निकली। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया पर ट्रेन का कहीं पता नहीं चला था और अब तो पुलिस ने भी उसे ढूंढना छोड़ दिया था, क्योंकि हर जगह पर उस ट्रेन को ढूंढ लिया गया था पर उस ट्रेन का कहीं नामो निशान भी नहीं मिला। अब अपनी माँ के बिना अंजलि बड़ी उदास से रहने लग गई थी, पर उसके पापा ने उसे संभाल लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया और उसके बाद से उस ट्रेन की कोई खबर नहीं आई और अब कानपुर स्टेशन से जाने वाली ट्रेन के लिए सुरंग के अलावा एक और रास्ता बनाया गया था। अब कोई भी ट्रेन उस सुरंग के अंदर नहीं गई थी। अब इसी तरह 5 साल बीत गए और अंजलि भी अब 20 साल की हो चुकी थी और अब वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अब उसके एग्ज़ाम थे और इस कारण से उसे दूसरे शहर में जाना था, तो उसने सोचा कि वो ट्रेन से जाएगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। पर उसके पापा उसे अकेले में ट्रेन में नहीं भेजना चाहते थे, पर अंजलि की जिद के कारण वो मान गए और उसे ट्रेन से जाने दिया। अंजलि कानपुर स्टेशन पर पहुंच गए और ट्रेन के आने के बाद उसमें बैठ गई। वो ट्रेन उसी सुरंग के पास पहुँचने वाली थी जहाँ से 5 साल पहले उसकी माँ गायब हुई थी। उस ट्रेन का चालक नया था, इस कारण से उसे सुरंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और उस दूसरे रास्ते की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि आगे पटरियाँ टूटी हुई हैं। तो उस ट्रेन चालक ने ट्रेन को सुरंग के रास्ते से बाहर निकालने की सोची। वो ट्रेन को सुरंग की तरफ ले गया और उसके अंदर बैठे हुए किसी को भी पता नहीं चला कि वो सब सुरंग की तरफ जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से ट्रेन के अंदर हलचल होने लगी। ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ट्रेन के अंदर कोई तूफान आया हो। अब पूरी ट्रेन हिलने लग गई थी। जब अंजलि ने बाहर की तरफ देखा तो उसकी नज़र उस सुरंग की तरफ गई, पर अब ट्रेन उस सुरंग के अंदर जा चुकी थी और जिस बोगी में वो बैठी थी वो भी सुरंग के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी अंजलि की नज़र उस सुरंग के अंदर की तरफ गई तो वहाँ पर उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखी और वो उसे सही तरीके से देख पाती कि उससे पहले ही वो गायब हो चुकी थी। वो बाहर की तरफ देख ही रही थी कि वापस से अचानक से ट्रेन एकदम से हिलने लग गई और ट्रेन इतनी ज़ोर से हिल रही थी कि उसके अंदर बैठे हुए लोग एकदम से नीचे गिरने लगे कि तभी ट्रेन के बाहर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कि काफ़ी सारे लोग बाहर एक साथ चिल्ला रहे हों। किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और किसी के चीखने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी कि मानो काफ़ी सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। अब ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था कि तभी अंजलि ने देखा कि खिड़की के बाहर से बहुत सारे लोग खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सभी लोग दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। सभी पूरी तरह से काले पड़े हुए थे और किसी का आधा सिर नहीं था तो किसी के आधे पैर नहीं थे और सभी लोग अंदर आने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। ये सब देखकर अंजलि की तो रूह ही कांप उठी थी और उसे समझ आ गया था
कि यह सुरंग बहुत ही भूतिया सुरंग है। इस कारण से जितनी भी ट्रेन इसके अंदर जाती थी वो कभी वापस नहीं आती थी, और अब वो भी इस सुरंग के अंदर फंस चुकी थी। अब वो काफ़ी डर चुकी थी और उसके पास उस सुरंग से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। कुछ पल के लिए तो उसे भी लग रहा था कि वो भी उसकी माँ की तरह इसी सुरंग में अब फंस जाएगी और फिर कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। अब चारों ओर धूल उड़ने लग गई थी, जैसे कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा हो, और धीरे धीरे सुरंग की दीवारों के अंदर से कुछ और लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। सभी लोग काले पड़े हुए थे और जो लोग निकल रहे थे उनके भी हाथ पैर या फिर सिर गायब था। सभी लोग बड़े अजीब से थे। वो लोग दीवारों के अंदर से निकल कर तो आ रहे थे पर कोई भी ट्रेन के आर पार नहीं आ पा रहा था। सभी लोग ट्रेन के अंदर आने के लिए उनकी खिड़कियों को तोड़ रहे थे और ये सब नज़ारा पूरी ट्रेन के अंदर भगदड़ मचा रहा था। अब लोग काफ़ी डर गए थे, पर हमारी बोगी के अंदर एक औरत बैठी हुई थी जो कि बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके साथ ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। वो सभी लोग मरे हुए थे इसलिए उन्हें मुर्दे भी कहते थे। वहाँ बोगी के अंदर कुछ लोग बातें भी कर रहे थे कि जो भी इस सुरंग में आता है वो भी इन सब की तरह मुर्दा बन जाता है। अंजलि ये सब सुनकर और भी ज़्यादा डर गई थी। उसने ऐसा नज़ारा कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो अभी अपनी मौत के बहुत करीबी थी। अब वो मुर्दे ट्रेन की काफ़ी बोगी के अंदर घुस चुके थे और अंजलि जिस बोगी में बैठी हुई थी उस बोगी से उसकी नज़र बाहर की तरफ गई तो उसने देखा कि बाहर कुछ मुर्दे ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को लेकर दीवार के अंदर घुस रहे थे, और अब तो उसकी बोगी की खिड़कियाँ भी टूटने ही वाली थी। उसे लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है। वो डर के मारे उस औरत के पास जाकर बैठ गई थी। अब ट्रेन की हलचल भी रुक चुकी थी। अंजलि अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी कि तभी उसे एक जोर की आवाज़ आई तो उसने आंखें खोली और सामने की तरफ देखा तो उसकी नज़र टूटी हुई खिड़की पर गई। उन मुर्दों ने वो खिड़कियां तोड़ दी थी जिस वजह से वो सभी अब अंदर आने लगे और उस बोगी के अंदर के लोगों को मारने लगे और बाहर की तरफ लेकर जाने लगे। उनमें से एक मुर्दा अंजलि के पास बैठी औरत को पकड़ने लगा कि तभी अचानक से वो गायब होने लग गया और थोड़ी देर में ही वो वहाँ से गायब हो गया। ये सब देखकर उस बोगी के लोग और वहाँ के मुर्दे सभी रुक गए थे। तभी अंजलि उससे पूछती है कि आप क्या कोई जादूगरनी है क्या? तो वो औरत कहने लगी कि वो एक तांत्रिक है और वो पहले भी कई भूत पकड़ चुकी है और इतनी देर से बैठकर वो इन सब मुर्दों से बचने का मंत्र ही सोच रही थी। अंजलि को उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए उम्मीद जगी कि तभी एक मुर्दे ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन से बाहर ले गया और दीवार के अंदर ले जाने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने बैग से कुछ निकाला और उस मुर्दे पर डाल दिया, जिससे वो मुर्दा धीरे धीरे गायब हो गया था। ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे मुर्दे गायब हो गए, पर जो लोग अभी दीवार के अंदर गए थे वो सभी अब मुर्दा बनकर वापस से बाहर आ रहे थे, और अब उनके पास बस यहाँ से जल्दी से निकलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो बहुत मुश्किलों से वहाँ से बचते हुए उस सुरंग से बाहर निकल गए, पर ट्रेन के अंदर बैठे हुए आधे से ज़्यादा लोग सुरंग के अंदर मर चुके थे और बहुत कम लोग ही बच के बाहर निकल पाए थे। पर जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वो पूरे 7 दिन के बाद उस सुरंग से बाहर निकले हैं। दोस्तों, ये सब सुनकर उन सभी के तो होश उड़ गए थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो सभी कुछ देर पहले ही इसके अंदर गए हैं। धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा था कि ये सुरंग काली शक्तियों से घिरी हुई है, इस कारण यहाँ पर भूख और प्यास का पता ही नहीं चलता। जो लोग सुरंग के अंदर गए थे उनके परिवार वालों को तो लगा था कि उन्होंने उन्हें खो दिया है, पर फिर उन्हें वापस देखकर सभी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। पर जब पहली बार उस सुरंग के अंदर यह हादसा हुआ था, उससे पहले वो सुरंग बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक से एक रात में उस सुरंग के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उस सुरंग के अंदर काली शक्ति आ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा एक ट्रक था जो मैं काफ़ी अच्छे से चला रहा था, लेकिन इस घटना के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने ट्रक ड्राइविंग करना छोड़ दिया, मैंने केवल उस ट्रक को छोड़ दिया था क्योंकि लोगों का कहना था कि वह ट्रक
श्रापित हो चुका है, इसलिए मैं कोई और ज्यादा खतरा उठाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उसको हमेशा हमेशा के लिए किसी और को बेच दिया। दोस्तों, यह घटना घटी थी साल 2016 में। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 25 साल की थी। मुझे एक ट्रक का काम मिला और कुछ ही दिनों में मैंने उस काम को इतने अच्छे तरीके से आजमा लिया कि लगभग 2-3 महीने बाद ही मैंने उस ट्रक को अपने घर का कर लिया, यानी कि मैंने उसको खरीद लिया था और फिर मैं खुद अपना ट्रक ड्राइव करने लगा। दरअसल पहले मैं दिल्ली की ही एक कंपनी में काम किया करता था। उस ट्रक को मुझे किराए पर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने पैसे कमाकर उनके पैसे दे दिए। मैंने कुछ पैसे तो उनको कैश दे दिए और कुछ को मैंने किस्त बनवा ली ताकि मैं बाद में धीरे धीरे उनके पैसे भी दे दूं और ट्रक मेरे घर का हो जाए। और उसके 8 महीने के बाद ही मैंने उस कंपनी के सारे पैसे चुका दिए और उसके बाद मैं खुद का अलग काम करने लगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। और फिर मैंने अपना धंधा खुद चलाना शुरू कर दिया और मुझे खुद के काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। धीरे धीरे मेरा काम काफ़ी अच्छा चलने लगा था। फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाऊंगा। एक ऐसा हादसा जिसका आज भी मेरे दिल में खौफ बरकरार है। एक शाम मुझे अंकित भाई का कॉल आया तो उन्होंने कहा, अरे यार, मेरी ट्रक बंद पड़ गई है तो तू मेरा सामान आज डिलीवरी करके आ जा। मैंने कहा, यार लेकिन मैं तो आपके इलाके के बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे मैं तुम्हें बता दूंगा और जो पैसे वहाँ से मिलेंगे वो तुम रख लेना। ये सुनते ही मैं भी झट से तैयार हो गया। अंकित जो मेरी बुआ का सबसे बड़ा बेटा था और उसी की वजह से मैं आज अच्छा खासा पैसा कमा पा रहा था। मेरे ट्रक चलाने और खरीदने में उसका भी बड़ा हाथ था। उसके बाद मैंने ट्रक स्टार्ट किया और मैं निकल पड़ा। जाते जाते मैंने 2 आदमियों को साथ में ले लिया ताकि वो सामान को ट्रक में शिफ्ट कर सकें। उसके बाद मैं उस जगह पर पहुंच गया, पर अंकित पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। वहां पहुंचकर मैंने ट्रक में सारा सामान लोड करवाया और फिर उसने मुझे आगे के रास्ते में मुझे बताया कि मुझे कहां पर डिलीवरी करनी है। उसने कहा, ज़रा संभल कर जाना, वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे उसकी बात थोड़ी अटपटी सी लगी कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने मुझसे कहा, तुम आगे जाते वक्त किसी को लिफ्ट मत देना, चाहे वह किसी भी रूप में या फिर किसी भी दशा में हो। पर मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह बोलना क्या चाहता है। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि देखो, थोड़ा संभल कर जाना, कहते हैं कि वो सड़क छलावों का इलाका है। मैंने कहा, क्या छलावा, ये क्या होता है, कोई चोर है क्या? वो सर पीटते हुए बोला, अरे मूर्ख, छलावा कोई चोर डाकू नहीं बल्कि भूत प्रेत की एक शैतानी शक्ति होती है जिसका डर और खौफ उस रास्ते पर बना हुआ है। उसकी यह बातें सुनकर मैं जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे भाई, आप किन किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, यह पहले वाला ज़माना नहीं रहा, यह मॉडर्न लाइफ है, अब लोग इन चीज़ों पर अंधविश्वास नहीं करते। अंकित बोला, देखो यह चीज़ें इस दुनिया में मौजूद होती हैं, ये मेरा कहना है, तो तुम जितना हो सके उतना संभल कर उस सड़क को पार करना। मैं भी हंसते हुए बोला, अरे आप चिंता मत करो, मैं भूतों को तो अपना गुलाम बना के रखता हूँ। और ये बोलकर मैं हंसते हंसते वहाँ से अपना ट्रक लेकर उसी वक्त निकल गया। मैं जिन 2 आदमियों को अपने साथ लेकर आया था वह भी अब अपने अपने घर जा चुके थे, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें ट्रक में सामान लोड करवाने के लिए ही लेकर आया था। और उसके बाद मैं गाने गुनगुनाते हुए उस रास्ते को पार करने लगा। आज मेरे ट्रक के सफ़र की यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली थी और उस समय रात के लगभग 9 बज चुके थे और ऊपर से अब मेरा सर भी थोड़ा दर्द करने लगा था। अब मैं भी थोड़ी चाय पीना चाहता था। मैं इधर उधर किसी चाय वाले को ढूंढने लगा। काफ़ी दूर जाने के बाद भी मुझे कोई नहीं दिखा, ना कोई ढाबा और ना ही कोई दुकान। उस रास्ते पर एक अजीब सी बात थी, वो ये थी कि उस रास्ते से काफ़ी कम गाड़ी गुजर रही थी। यह बात थोड़ी हैरानी कर देने वाली थी। और तो और उस सड़क पर जो भी गाड़ी चलती थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ट्रक के पास से गुजरती थी। ये बात थोड़ी हैरानी वाली बात थी, लेकिन मैंने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी आगे चलने के बाद मुझे एक
ढाबा दिखा जो शायद चाय का ही था। मैं उसके एकदम करीब गया तो मैंने देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ था देसाई चाय ढाबा, यानी कि वह ढाबा चाय का ही था। फिर मैं उसके पास गया और उस ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी था, वो कोई 65 साल का लग रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि ज़रा एक कड़क सी चाय पिला दीजिए। उस आदमी ने कुछ ही देर में मुझे चाय दी। मैं भी उस चाय को बड़े आराम से और मजे लेते हुए पीने लगा। बातों ही बातों में उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि भाई साहब, आप कहीं मुंबई जाने वाले इस रास्ते से तो नहीं जा रहे हैं? तो इस पर मैंने कहा कि अरे हाँ, मैं तो इसी रास्ते से जा रहा हूँ। मुझे भी उस रास्ते के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था क्योंकि मैं पहली बार ही इस रास्ते से गुजर रहा था। उसके बाद मैंने भी चाय पी ली और फिर मैं वहाँ से ट्रक में बैठने ही वाला था कि तभी उस चाय वाले ने मुझसे कहा कि अरे बाबू साहब, ज़रा संभल कर जाइएगा। लोग कहते हैं इस रास्ते के ऊपर भूत प्रेत चुड़ैल आदि बुरी शक्तियों का साया मंडराता है। यह सुनकर मैं लोगों के अंधविश्वास पर और भी ज़्यादा हंसने लगा और फिर मैंने उस बूढ़े बाबा को कहा कि अरे बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो उन्होंने कहा, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास ऐसी बुरी शक्तियाँ घूमती हैं जो हमें अपने पास होने का एहसास नहीं होने देती। पर उस वक्त मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके बाद मैं मुस्कुराते हुए ट्रक में बैठ गया और फिर ट्रक चलाता हुआ उस रास्ते को पार करने लगा। उस बूढ़े चाचा की चाय की वजह से मेरी सारी थकान एकदम से हवा बनकर उड़ चुकी थी, लेकिन अब मेरे सामने एक ऐसा भयानक, एक ऐसा खौफनाक नज़ारा आने वाला था जिसके बारे में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। वहाँ से कुछ दूर आगे चलने के बाद मेरी ट्रक में अचानक से ऐसा लगने लगा कि मेरी ट्रक के अंदर कुछ सामान ज़्यादा लोड हो चुका है, क्योंकि अब मेरी ट्रक पीछे से हिलने लगी थी और अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि पहली बात तो मैं उस घनी रात के अंदर नीचे उतरना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझे डर लग रहा था, मुझे डर तो इस बात का था कि कहीं अगर चोर या डाकू मिल जाए तो मेरा सारा सामान अपने साथ ले जाएंगे और मुझे कंगाल बना देंगे, इसलिए मैं नीचे उतरना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। उसके बाद मैं किसी तरह से नीचे उतरा और फिर ट्रक को देखने लगा, लेकिन ट्रक तो बिल्कुल ठीक था, टायर भी एकदम ठीक और सब कुछ बिल्कुल सही था। फिर मुझे लगा कि शायद ट्रक चलाते वक्त कोई टायर गड्ढे में गिर गया होगा, जिस वजह से होकर मिस्टेक हो सकती है। मैं जैसे ही टायर की तरफ से पीछे पलटा तो अचानक से मेरी आंखों के सामने एक बेहद खौफनाक और डरावना चेहरा मौजूद था। इस बार मैंने देखा कि एक आदमी जिसका सिर शायद जल रहा था, साथ ही उसके पैर नीचे से कटे हुए थे और उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। उसके मुंह के अंदर थोड़े थोड़े छेद से थे, मानो किसी जीव ने उसके मुंह को पूरे तरीके से गड्ढे के रूप में तब्दील कर दिया हो। उसके मुंह के अंदर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उस आदमी को देखकर मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। आज वह चीज़ मेरे सामने थी जिसका मैं मजाक उड़ाता था। तभी उसने मुझे एक भयंकर आवाज़ में कहा कि तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है ना, अब भी तुम्हें विश्वास है या फिर नहीं? अब मैं इतने बुरी तरीके से डर चुका था कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन मेरा पैर एक पत्थर पर जा लगा, जिस वजह से मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरते ही मेरे सर में चोट आ गई। चोट आते ही मुझे थोड़ा धुंधला सा दिखा, वो तो ट्रक की लाइट ऑन थी, तो मुझे वो भयानक और ख़तरनाक आदमी मेरी तरफ आता हुआ दिखा। लेकिन अब मैं इतना डर चुका था कि मैं उसके सामने अब घुटने टेक चुका था और तभी मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब मैं खुले आसमान के नीचे इस तरह पड़ा हुआ था जैसे कि मैं शराब के नशे में हूँ। अब सुबह के 6 बज चुके थे। तभी मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पर अंकित के काफ़ी फ़ोन आए हुए थे। फिर मैंने अंकित को वापस कॉल किया और उसे सारी घटना के बारे में बताया। अंकित ने भी मुझे काफ़ी भला बुरा कहा कि उसने मुझे मना करने के बावजूद भी मैं ट्रक से नीचे उतरा और मैंने उसकी बात को टाल दिया।
लेकिन फिर मैंने अंकित से माफ़ी मांगी तो अंकित ने बताया कि वह शैतानी शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को परेशान करती है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, वह शैतानी ताकत किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह रास्ता अब ठीक नहीं रहा, इसलिए इस रास्ते से काफ़ी कम गाड़ियाँ आती जाती हैं। दोस्तों उसके बाद मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर काफ़ी विश्वास होने लगा, लेकिन मैं उस रास्ते पर अब जाने से भी घबराता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर फिर से गया तो शायद इस बार मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि इस बार तो मेरी जान उस आदमी का चेहरा देखने से ही निकल जाती, क्योंकि पहली बार तो मैं सिर्फ बेहोश हुआ था, लेकिन आखिर वह आदमी कौन है और वह सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों को क्यों परेशान करता है, इस बात का पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।